वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग मीसना पार्क। आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस हम लोग यहाँ आ गए हैं जसपुर में। यहाँ का फेमस हलीम खान है, आप लोग देख रहे हैं। इल्तिमा हमारे साथ आई हुई है और अभी मैं आपको पूरा हलीम नहीं दिखाने वाली हूँ। यहाँ का फेमस हलीम है, भाई खड़े हुए हैं। तो लोकेशन पे मत जाइए, लोकेशन मुझे पता है अच्छी नहीं है, बट हलीम का टेस्ट अच्छा है तो हम लोग टेस्ट पे जाएंगे। क्योंकि लोकेशन मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, बट जो स्ट्रीट फूड का जो टेस्ट होता है वो कभी बीट नहीं कर पाएगी लोकेशन वाले लोग। सो तो इतना सारा हलीम खा लोगे तुम? गाइस बहुत ही यम्मी सा हलीम हो रहा है। इतना आपको कैसा लग रहा है? चलो सही है, सबको अच्छे लग रहा है। सो गाइस हमारा हलीम तो बहुत यम था, लेकिन लोकेशन बहुत खतरनाक थी। ना यम्मी हलीम खाने के लिए हमारे पसीने छूट गए इतनी गर्मी में, लेकिन यम्मी हलीम तो बहुत टेस्टी था। तो आपको कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था गाइस, बहुत मजा आया खाने में और टेस्टी तो बहुत ज्यादा था। की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी है जसपुर, लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापार है, मुसलमान लकड़ी का बहुत। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो शीशम सागवान सब यहीं से ही सप्लाई होगा। अरे उसे पीने दे, रोज आ लकड़ी एशिया की बता रहा हूँ। क्यों जा रहा है? घबराहट हो गई। हम लोग कबाब का वेट कर रहे हैं, दो घंटे हुए कबाब नहीं आए, इतनी कड़ी लाइन लगी है। फेमस कबाब है भाई, हमने के खा के ही जाएंगे। यहाँ के जसपुर के आए हैं तो अब खा के ही जाएंगे, वरना जाएंगे ही नहीं घर पर। इल्तिमा क्यों, तुम्हें क्या लगता है खा के जाना चाहिए? गुलाब अभी आपको क्या लगता है, आज खाएंगे कि नहीं खाना? आए हैं इतनी दूर तो खा के ही जाएंगे। गाइस लाइन बहुत लंबी है, आप पीछे देख सकते हैं, बहुत खतरनाक लाइन लगी है। लेकिन खाना भी जरूरी है। अज़ू को दिखा, अज़ू अब्राहम नहीं नहीं अज़हान सात भाई वाले ऐसे करके गई। मैंने कहा भाई का एक्टर देगा। अब आना मैं बेटा, आजा अरे बड़े यम से लग रहा है कबाब तो, जल्दी से टूट जाओ बच्चों। नहीं है बेटा, भाई आया तू? देखो कितने क्यूट है मेरे बच्चों, कह रहा है कुछ ले नहीं रहा है, ले के आवा। नहीं उन्हें हमने दूध पी लिया कार में, लेकिन उसको ये तो खाना है। सो गाइस अब हम लोग चिकन पकौड़ा के बेक कर रहे हैं। यहाँ सब लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली आई हुई है। पीछे से दफ्ती और सलमान जी जो है यहाँ, एक माँ है और सब लोग आए हुए हैं। हम भाई बाहर चिकन पकौड़ा सिखवा रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं। वैसे मेरा तो हाथ फुल हुआ रखा है, मेरे तो पेट फुल है। ये हैंड वॉश का नया स्टाइल इनका, वो बर्बादी कर रही हो ना ये। कल को ये होटल वाले भी ब्लॉग देंगे ना, जेल कराएंगे तुम लोगों को। वो लोग आ गए सब लोग। स्पाइसी चिकन पकौड़े भी खा लिए, कबाब भी खा लिया और हलीम भी खा लिया, सब कुछ स्पाइसी था। अब हम लोग घर जा रहे हैं, आप देखते हैं बीच में कहीं रुकना हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मैं हम घर ही सीधे पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत कुछ खा लिया, बहुत ही अम्ब ले लिया। तो मैं पेट नहीं भरा था, कार में भी खा रही हूँ, भर गया था पेट, लेकिन दे दिया मैंने, खा लिया। मजा आ रहा है वैसे, ऐसा तेरी जिंदगी राजकुमारों वाली गुजर रही है। हाँ
एक चम्मच और देना एक्स्ट्रा भैया। सना नहीं बैठ रही। नहीं, हम आगे बैठने जा रहे हैं। तो गाइस, अब हम लोग बीकानेर वाले पे आए हैं रसमलाई खाने, स्वीट्स के लिए। बीकानेर जसपुर में है, अभी हम लोग बीकानेर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम मीठा खा रहे हैं। मीठा मीठा ऐसा ही था। कैसा लगा साथी आपको? बहुत अच्छा लगा। मिलता हूँ आपको, कैसा लग रहा है आंटी? आपको कैसा लगा आंटी को? भी बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सलमान जी जू, आपको कैसा लगा? अच्छा। क्या खा रही हो नेसा? सॉफ्टी। तुम्हारे जिंदगी राजमा कट रही है। क्यों बोलते मत? क्या क्या खाया? मैंने खाया वो हलीम, हलीम, हलीम कबाब और रोस्टेड आइसक्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम। अरे भाई, इसकी तो जिंदगी ऐसी कट रही है, किसी की नहीं कट रही है। हाँ, ये कहीं नहीं बात, बात ही कटा रही है। ये सारे वीडियो सफदर भाई को भेजने हैं। Later. क्या हो गया? ये सब प्लेटें पड़ी है मम्मी, ये दे वाला। बात पढ़ ली क्या किसी ने? नहीं, कुछ बोले ही ऐसे। तो अब हम लोग घर पर आ गए हैं। ये मेरा ओवरऑल लुक था। मैंने आज भी कोट्स ही पहने हैं। मैं जब से आई हूँ मैं कोट्स ही पहनी हूँ। आज काफ्तान वाला कोट्स है, थोड़ा ज़्यादा ही स्टाइलिश है। और आप लोग मेरे ब्लॉग को फुल देखिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज़ गाइस कर दीजिए ना।